हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अभी हमारे देश में इंडियन आर्म एक्ट चलता है, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी यदि किसी के पास गन, बंदूक वगैरह कोई हथियार यदि पकड़ाता है तो उसे वही एक्ट के तहत धारा चलाई जाती तथा उसे जेल में डाला जाता, चाहे जो भी कार्रवाई होता है वो किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इंडियन आर्म एक्ट है कब लाया गया? वो अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 का जो क्रांति हुआ था, जो कि बहुत बड़ा विद्रोह था और भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई थी और सबसे पहली लड़ाई थी, तो उसी समय इस एक्ट को लाया गया ताकि अंग्रेज़ों ने यह सुनिश्चित किया कि यदि हम ऐसा कानून लाएंगे कि कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता, तो इसके तहत जो ऐसा बड़ा विद्रोह हुआ है फिर आगे कभी भी विद्रोह नहीं होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो जो विद्रोह था 1858 में, जो कि 1857 के क्रांति के बाद लागू हुई थी, तो 1858 के बाद से आज तक उस एक्ट को बरकरार रखा गया, उसे हटाया नहीं गया है। और इसका कारण आप भली भांति समझ गए कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि फिर कभी इंडियन लोग हमसे विद्रोह ना करें, वो लोग अपने पास इस प्रकार से गन वगैरह नहीं रखें। लेकिन अभी तक उसे हटाया नहीं गया। लेकिन आप सोचिए कि आज हिंदू जो इतना लाचार बने हुए हैं, अमेरिका में आज भी गन सब जगह बिकता है, लीगल है, और कोई भी अपने सुरक्षा के लिए आराम से गन रख सकता है। तो सोचिए कि ऐसे विकसित देश में जब हर नागरिक जब गन रख सकता है, तो आखिर भारत में क्यों नहीं रख सकता? अब आप सोचिए कि भारत में गन रखने से क्या फ़ायदा? तो यदि किसी के पास गन रहता तो उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी रहती, उसके साथ कोई उस टाइप से काम नहीं कर पाता। अब आप सोचिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा है, जिस प्रकार से आपने देखा कि कश्मीर से 6 लाख हिंदुओं को मार करके, डरा करके मुसलमानों के द्वारा भगा दिया गया, लेकिन एक भी हिंदू ने विरोध नहीं किया। जो भी व्यक्ति विरोध किया उसे गोलियों से भून दिया गया। लेकिन क्या कभी तुलना के मतलब चिंता की है? सोचे कि यदि उन हिंदुओं के पास यदि गन रहता, यदि हथियार रहता, तो वो लोग शायद लड़ते, और यदि वो लोग लड़ते, जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती, जब उन्हें जानकारी रहती कि बंदूक कैसे चलाना है, तो उन आतंकवादियों से ज़रूर वो कश्मीरी पंडित लड़ते। अब भले वहाँ से जब कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया गया, तो 50-60 हज़ार जो लोग थे वो मारे गए। भले उस समय यदि वो लोग विद्रोह करते हैं, तो 50-60 के जगह पर लाख लोग मारे जाते, लेकिन वहाँ पर अपना घर पर वो लोग सुरक्षित रहते और उन्हें अपने घर द्वार छोड़ करके नहीं भागनी पड़ती। लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ से मुसलमानों के डर से हिंदुओं ने पलायन किया और अपना सारा का सारा संपत्ति जायदाद छोड़ करके दूसरे जगह जा करके सरकारी अंशदान पर, और सरकारी क्या, अपने एक एक कमरे में चार चार परिवार, दो दो परिवार ठुसा करके ज़बरदस्ती में, मजबूरी में उन्हें रहना पड़ रहा है। अब सोचिए कि मुसलमानों ने कभी भी हथियार रखना नहीं छोड़ा। उनके हर एक घर में जखीरा मिल जाएगा, उनके हर एक घर में किसी न किसी प्रकार से हथियार मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों ने कभी संविधान को माना ही नहीं। कानून जिस प्रकार से बनाई गई, उस कानून को उसने नहीं माना, क्योंकि उसे पता है कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा कोई करने नहीं आएगा, और जब तक हम अपने सुरक्षा के लिए वस्तु नहीं रखेंगे तब तक हमें। और आप सोचिए कि हिंदुओं को हमेशा से बोल दिया गया कि देश में किसी प्रकार से उस टाइप से काम नहीं करना है, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा से लड़ाई करने की विद्या सीखी। मुसलमानों ने हमेशा से घर में तलवार वगैरह जो भी अस्त्र शस्त्र थे सारे के सारे चीज़ों को रखा उन्होंने, और पुलिस भी इसमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दी कि कैसे, और पुलिस जानबूझ करके बोले या कैसे भी मजबूरी में कहे, उन मुसलमानों की गंदगी नुमा बस्तियों में, मैले कुचैले बस्तियों में जाने का कभी भी दुस्साहस नहीं की कि यदि हम वहाँ पर जाएंगे तो पूरी पुलिस सुरक्षित नहीं आ पाएगी। और इन्हीं सब कारणों से मुसलमानों के हमेशा से आदत बन गए कि वो लोग अपने घरों में हथियार रखते हैं, और हिंदुओं को किस प्रकार से वो लोग क्या क्या किस प्रकार से सुलू करते हों तो भली भांति आपको पता ही है।